हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली आईटीआई वाले बच्चों के साथ, कि आईटीआई वाले बच्चे अगर उन्होंने आईटीआई कर लिया है तो अब उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो जॉब पा सके और अच्छे जगहों पे जा सके। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप ये मत सोचिए कि आप अभी करियर के टॉप पे आ चुके हैं, आपने सिर्फ आईटीआई किया है। और आईटीआई करके आप जॉब तो पा सकते हो, लेकिन आपको हायर पोजीशन पे जाने के लिए आपको डिप्लोमा का सहारा लेना पड़ेगा। डिप्लोमा के बाद अगर आप सोचते हो तो आप बी भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, लेकिन आईटीआई के बाद आप जॉब स्टार्ट कर लो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे? सबसे पहले आप जॉब लो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, सिविल का अगर कोई बच्चा है या मेटलर्जी का कोई बच्चा है या टेक्सटाइल का कोई बच्चा है, इन्होंने आईटीआई कर रखा है तो छोटी छोटी कंपनियां होती है जिन कंपनियों में आप जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो, साथ ही साथ अपना ये स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अपना बी और डिप्लोमा। तुम डिप्लोमा अच्छा होगा, सबसे पहले तुम डिप्लोमा पर फोकस करो और डिप्लोमा अच्छे से करके उसके बाद तुम अपने जॉब में हायर रैंक पर जा सकते हो। अगर आपने आईटीआई किया तो कुछ छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईटीआई वाले बच्चों को, ऑटो कैड का कोर्स करके वो बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइक ड्राफ्टमैन की जॉब पा सकते हैं। तो ऑटो कैड अगर आपने किया है आईटीआई के साथ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप आईटीआई के बाद किसी और नेक्स्ट पोजीशन पर जा सकेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ऑटो कैड के साथ स्टैट प्रो या रैबिट आर्किटेक्चर आप सीख लीजिए तो आपका करियर में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ होगा कंपेयर टू अगर केवल आप ऑटो कैड किए। क्यों? क्योंकि दोस्तों केवल ऑटो कैड से सिर्फ आप ड्राफ्टमैन की जॉब पा सकते हो, बट अगर आपको BIM इंजीनियर बनना है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इंजीनियर बनना है, अगर आपको डिजाइन इंजीनियर बनना है तो इसके ऊपर वाले पोजिशन पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए गोल स्केचअप सीख सकते हो, 3ds Max सीख सकते हो, रेविट आर्किटेक्चर सीख सकते हो। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 3ds Max मत सीखो अभी, पहले आप रेविट आर्किटेक्चर सीखो, उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तब आप रेविट आर्किटेक्चर और स्केचअप सीखो। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेविट आर्किटेक्चर है दोस्तों, इसमें सारे के सारे चीज़ें लबड़ मिल जाती हैं हमको। रेविट आर्किटेक्चर पे काम करने आप देखिए जिसमें सैलरी ग्रोथ कैसे होती है। जैसे अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हो तो आप 10 to 15,000 एज अ फ्रेशर आप पा सकते हो, 10 to 15,000। बट जैसे ही आपने रेविट आर्किटेक्चर या स्केचअप या 3ds Max सीखा है तो आप 15 to 20 और 15 to 25 के बीच में आपकी सैलरी की ग्रोथ हो सकती है। तो कोशिश करो कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप 2 to 3 सॉफ्टवेयर सीख लो, अगर आपने ITI किया है तो एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर हर एक डोमेन का सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे आपके डोमेन कौन सा है और उस डोमेन के में कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि क्या कौन सा सॉफ्टवेयर हम सीख सकते हैं जिसके थ्रू आपके करियर में ग्रोथ मिल सकता है। जैसे कि टेक्सटाइल वालों के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है, मेटलर्जी वालों के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है, सिविल वालों के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो आप एक सॉफ्टवेयर सीख के मीन्स आपके पास क्या हो गया, एक टेक्निकल स्किल हो गया। अभी तक क्या था आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपने एक डिग्री रखी हुई थी जिसका नाम था ITI, जिसका नाम था डिप्लोमा, जो कि करियर में ग्रोथ के लिए इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे किसी कंपनी में जाते हो तो दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव एंड योर आंसर इज नथिंग। सो द प्रॉब्लम इज कि एड एनी टेक्निकल स्किल्स, एड करो कोई एक टेक्निकल स्किल्स सो दैट यू कैन टेल देम कि आई नो वेरी वेल ऑटोकैड, आई नो वेरी वेल स्टैट प्रो, आई नो वेरी वेल स्केचअप। तो उनको लगे अच्छा इसको इस चीज़ का मतलब कि नॉलेज है। जैसे आप जाते हो इंटरव्यू में, तो मैंने कई बार देखा इंटरव्यू में जब मैं पूछता हूँ व्हाई शुड आई हायर यू, आपके पास कोई आंसर नहीं होता है। आप बोलते हो कि लाइक आई एम अ पॉजिटिव लाइक एंड इस तरह से बहाने मारते रहते हो कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, ये नहीं। व्हाई शुड आई हायर यू का सबसे अच्छा आंसर ये है कि आप क्या देने वाले हो। तो यू कैन से कि आई हैव अ गुड टेक्निकल स्किल्स ऑफ ऑटो कैड और स्टैट प्रो, सो आई थिंक सर आई कैन गिव योर कंपनी गुड सर्विस रिगार्डिंग ऑटो कैड और रिगार्डिंग स्टैट प्रो। एक छोटा सा आंसर आपको देना, और कोई आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने अंदर स्किल ऐड करो। जिस भी डोमेन में हो, अगर ITI कर रहे हो तो आप डिप्लोमा के लिए जाओ, और डिप्लोमा अगर किए हो तो आप BTech और BE के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हायर डिग्री पे जाते हो आपका नॉलेज और ब्रेन का जो एक्सप्लोर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपने BE कर रखा है तो कोशिश करो कि आप ME और M.Tech में जाओ तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि M.Tech जाने के बाद आप एक अच्छी जो रेपुटेटेड पोजीशन होती है उस पोजीशन पे जाते हो। कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो M.Tech किया है और मुझे तो कोई रेपुटेटेड पोजीशन नहीं मिल रही। हाँ जी, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपने M.Tech किया है, M.Tech की वैल्यू को नहीं ऐड किया है। M.Tech की वैल्यू समझते हैं आप, M.Tech मीन्स आप एक सब्जेक्ट में मास्टरी है आपकी। क्या वो है? क्या आप खुद से पूछो कि मैंने जो सब्जेक्ट पे M.Tech किया है उस सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो मैं बता सकता हूं? नहीं।
कोई भी रिसर्च इससे रिलेटेड ऐसी ना बची हो जिसको आपने पढ़ा ना हो। अगर आपने एमटेक किया है मतलब प्रॉपर उस चीज के बारे में डीप स्टडी किया है, तो कोशिश करो कि आप डीप स्टडी जैसे ही लेते हो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, साईटेक है, एलएलटी है, एससीसी है, ढेर सारी ऐसी कंपनियां जो दिलीप कंस्ट्रक्शन है, ऐसी कंपनियां आपको खुद से कॉल करके बुला लेती हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास रियल में वो नॉलेज होना चाहिए। आज के हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमने बीटेक कर रखा है, लेकिन बीटेक के लिए जो बीटेक में जो लगता था ना कि बीटेक वाले बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना टेक्निकल स्किल होना चाहिए, वो नहीं है। उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को मैंने देखा कई इंडिया में कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो कंपनियां सिंगापुर से यूएस से मॉडल बनवा रही हैं। क्यों बनवा रही हैं पता है क्या? क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर बिल्डिंग्स, वी आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर डिजाइंस, राइट? तो हम क्यों ना खुद को कैपेबल बना लें, जिससे कि वो जो सिंगापुर में भेजने वाली थी, जिसका डिजाइन सिंगापुर 400,000 में देने वाला था, आप 100,000 में देना स्टार्ट कर दो। 100,000 में दे सकते हो ना, अगर वो 20,000 रुपए में बाहर किसी को दे रही हैं, आप 10,000 में बनाने स्टार्ट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको बनाना आना चाहिए ना, तो बनाने के लिए हमको कोशिश करना है कि ढेर सारी टेक्निकल स्किल्स, चाहे ITI, देखिए हमारी जो ग्राफ होता है अभी रोजगार का जो ग्राफ है हर एक डोमेन के लिए, वो ITI से स्टार्ट होता है, फिर डिप्लोमा में आता है, फिर डिप्लोमा के बाद BE पे आता है या BTech पे आता है, और उसके बाद M.Tech में जाता है, और आप बहुत ही अच्छे होते हो लास्ट में PhD पे जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहां तक अपने ग्राफ को लेके जाते हो, और पूरा का पूरा ग्राफ आपका ऐसे जाता है ग्रोथ। इस ग्रोथ में ITI आप 8 to 10,000 से आपकी ITI की जॉब स्टार्ट होती है, और PhD करके आप 100,000 रुपए तक के जॉब पे जा सकते हो। लेकिन हाँ, अब आप बोलोगे सर मैंने M.Tech किया है मुझे केवल 20,000 मिल रहा है, मैंने BTech किया केवल 15,000 मिल रहा है। हाँ जी, 15,000 इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी आप अपने फील्ड के मास्टर नहीं हो, जस्ट आपने जाना है कि ये चीजें होती क्या है। उसके लिए कोई भी कंपनी आपको 50,000 नहीं देने वाली है। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड को 100% जान के तो देखो, डेफिनेटली उस फील्ड में आपको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। तो हमको क्या करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल स्किल्स ऐड करना है, सो दैट कि हम कंपनियों को दिखा सकें। आप लिंक्डइन पे जाओ, अपनी ID बनाओ लिंक्डइन पे, वहां पे लिखो कि मुझे ये स्किल्स मेरे पास है, देखना डेफिनेटली आपका करियर का ग्रोथ होगा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ, इस पार्ट में नहीं है बट बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि डेली आप अपने naukri.com या indeed.com पे आप जॉब सर्च कर रहे होगे, डेली उसमें अपने रिज्यूमे को अपडेट करो। अब बोलोगे सर इसका क्या जरूरत है, क्या मैंने डाला नहीं है उस पर? हाँ जी, आपने उस पर डाला है, लेकिन उसमें एक टर्म होता है जिसका नाम है SEO। क्या होता है ये? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है, ये आपके रिज्यूमे को ऊपर करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में कौन सिविल इंजीनियर सबसे हाईएस्ट पे चल रहा है, कैसे पता चलेगा एक जॉब कंसल्टेंट को? वो सिर्फ naukri.com पे सर्च करेंगे, आपको सर्च करेंगे सिविल इंजीनियर इन दिल्ली और सिविल इंजीनियर इन नोएडा। अब कौन कौन जिसका सीवी सबसे हाईएस्ट होगा उसकी सीवी ऊपर आ जाएगी। हाईएस्ट सीवी किसकी होती है? हाईएस्ट सीवी उसकी होती है जो डेली अपग्रेड करता है। तो आप अपनी सीवी को ऐड करो और सीवी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर पहुंचाने की कोशिश करो। पहुंचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ डेली अपडेट कर दो, चाहे इंडीड, चाहे मोनेस्टर, चाहे लिंक्डइन, हर एक जगह पे ऐसे ही आपको करना है। और इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बनाया था कि हाउ टू गेट द जॉब, तो उसमें कवर लेटर वगैरह मैंने डिस्कस किया था, वो भी देख लेना आप। लेकिन आई थिंक कि अगर आपने डेली अपडेट करना स्टार्ट कर दिया और अपने अंदर टेक्निकल स्किल डाल दिया, आपका करियर का ग्राफ आराम से ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास रियल नॉलेज होगा, फेक नॉलेज नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने अगर यहाँ तक सुना मेरी बातों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है कि मेरे करियर का ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसका रीज़न मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं शायद आपको गाइड करूंगा, और गाइड करके डेफिनेटली आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।